और मैं पूरे विश्वास से कहता हूँ कि ये बातें आपके हृदय तक उतरेंगी और उस नियम का पालन हमारे जो ईश्वर हैं हैं तो एक ही पर तीन रूप धारण करके पूरे सहसा और निष्ठा से पालन करते हैं। अब बात आती है कि जब इसमें से विष निकलता है तो विष का पान भगवान शिव जी ही क्यों करते हैं, भगवान विष्णु जी क्यों नहीं करते हैं? तो आप लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो जैसा कि आज जो हम बात करने जा रहे हैं, हमारे समाज में कुछ लोग ऐसी बात करते हैं कि जैसे कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान शिव जी, तो कुछ लोग ऐसी टिप्पणियां करते हैं कि विष्णु भगवान जी तो छलिया हैं, जब समुद्र मंथन हुआ तो जब उसमें से विष निकला तो भगवान शिव जी को पिला दिए हैं। ऐसे लोग बातें करते हैं और कुछ लोगों को भटकाते भी हैं और उनके बीच में घृणा भी करवा देते हैं। तो आप लोग पूरे ध्यान से सुनिएगा और मैं पूरे विश्वास से कहता हूँ कि ये बातें आपके हृदय तक उतरेंगी और आज आपको ये लगेगा कि वास्तव में ये जो हमारी सृष्टि है एक नियम के तहत चलती है और उस नियम का पालन हमारे जो ईश्वर हैं हैं तो एक ही पर तीन रूप धारण करके पूरे सहसा और निष्ठा से पालन करते हैं। तो आइए समझते हैं, जैसे भगवान ब्रह्मा जी का क्या कार्य होता है। भगवान ब्रह्मा जी और ये जो हमारे तीन ईश्वर तीन रूप हैं इनके, ये तीनों रूप एक ही हैं, ये तीनों रूप एक ही शक्ति के, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, जिसे हम भगवान विश्वरूप भगवान सत्य नारायण कहते हैं, ये तीनों जन यही है नारायण। ठीक है, इसके ऊपर किसी दिन आप लोग अगर कहेंगे तो किसी दिन इसके ऊपर बात करेंगे, किससे रिलेट करके बताएंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज से बताएंगे। और पूरे विश्वास से आपको कहते हैं कि आपको इतना विश्वास हो जाएगा कि आप इस सीक्वेंस एंड सीरीज के रिलेशन से जब आपको समझ जाएंगे कि ये जो हमारे ईश्वर हैं ये वास्तव में एक ही हैं, तब फिर आप कभी भी किसी के कहने से आप ये नहीं भटकेंगे कि भगवान विष्णु जी को मानेंगे तो शिव जी से आप घृणा करने लग जाएंगे, भगवान शिव जी को मानेंगे तो विष्णु भगवान जी से घृणा करने, ऐसे विचार आपके मन में नहीं आएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं भगवान ब्रह्मा जी का काम क्या होता है, सृजन करना। क्या काम होता है, ये सृजन करते हैं भगवान ब्रह्मा जी, क्या करते हैं, सृजन करते हैं, इनका काम होता है सृजन करना। भगवान विष्णु जी पालन करता है, पालन करता है, और भगवान शिव जी क्या है, संहार करता है, संहार करता है। ठीक है, तो भगवान ब्रह्मा जी का काम क्या होता है, सृजन करना, बस ये उस चीज़ का निर्माण करते हैं। निर्माण करने के बाद इनको उससे कुछ भी मतलब नहीं होता कि आगे क्या करना। जैसे ही किसी चीज़ का निर्माण किए, ठीक है ना, जैसे समुद्र मंथन के लीजिए, समुद्र मंथन का जो निर्माण था वो भगवान ब्रह्मा जी किए। अब समुद्र मंथन को किसे पालना था, पालनहार कौन है, भगवान विष्णु जी, इसलिए कूर्म अवतार लेते हैं। कूर्म अवतार लेके इस जो समुद्र मंथन को अपने पीठ पर धारण करके समुद्र मंथन को पालना शुरू करते हैं। अभी इसे पालना शुरू करते हैं, अब ये पलता है, पलने के बाद इसमें से बहुत सारे रत्न निकलते हैं, तो सभी अपने अपने अनुसार जिनके भाग्य में जो विधाता ने लिखा था वो ग्रहण करते हैं। अब बात आती है कि जब इसमें से विष निकलता है तो विष का पान भगवान शिव जी ही क्यों करते हैं, भगवान विष्णु जी क्यों नहीं करते हैं? इसके पीछे का कारण समझिए आप। कहने का मतलब, अगर विष का पान भगवान विष्णु जी करते तो संसार का प्रलय हो जाता, वो विष और बढ़ जाता, और अगर उसी विष का पान अगर भगवान शिव जी करते हैं तो संसार हमारा रहता है। कैसे, देखिए, भगवान विष्णु जी क्या है, पालन करता है, और भगवान शिव जी क्या है, संहार करता है। जब विष निकला तो भगवान विष्णु जी अगर उसका पान करते तो क्या होता, विष क्या होता, पलने लगता, क्या होता, पलने लगता, यानी कि पाल पोस कर वो विष क्या होता, पाल पोस कर वो विष क्या होता, बढ़ने लगता, जो जितना होता ये क्या होता, इनमें इंक्रीमेंट होने लगते हैं। ठीक है ना, पालन, पालन का मतलब क्या होता है, बच्चा जब शिशु जन्म लेता है तो उसे पालन पोषण उसका किया जाता है, वो धीरे धीरे बढ़ता है ना,
तो ऐसे ये विष भी बढ़ने लगते हैं। तो इसलिए भगवान शिव जी क्या है, संहार करता है। जब भगवान शिव जी उस विष का पान करते हैं तो सारे ब्रह्मांड में फैले हुए कालकोटि नामक जो विष था, जो उसका प्रभाव फैला हुआ था, वो तत्काल नष्ट हो जाता है और भगवान शिव जी के कंठ में समाहित हो जाता है। बात आती है कि वो अपने कंठ में ही क्यों रोकते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे और अगर आप लोग कहेंगे तो इसके ऊपर पूरे विस्तार से किसी दिन बात करेंगे। यह भी अपने आप में एक विज्ञान है। जैसे हमारे कंठ के पास कौन सा चक्र है, विशुद्ध चक्र है। कौन सा चक्र है, विशुद्ध चक्र। और जब यह कालकोटि नामक विष जब भगवान शिव जी के कंठ के पास जाता है, यानी विशुद्ध चक्र, यानी कि उस विशुद्ध चक्र के पास जाता है, तो इस ये जो कालकोटि नामक विष है ना, उस विशुद्ध चक्र का भेदन ही नहीं कर पाता है कि वह इतना शुद्ध था कि इसकी जो अशुद्धियाँ थी कालकोटि नामक विष की, उसकी शुद्धता का भेदन कर ही नहीं पाई, इसलिए वो कंठ में ही रुक जाता है। तो यही विशुद्ध चक्र आपके भी भीतर है, हमारे भीतर, सबके भीतर है। बस इसे हम योग अभ्यास से जागृत कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें नित्य योग अभ्यास करने चाहिए। आंखें बंद करके, शरीर को सीधा रख के और पद्मासन लगा के या वज्रासन लगा के भगवान का ध्यान करना चाहिए। इसी से सब कुछ मिलते हैं। इसीलिए जितने भी जो भी हमारे ईश्वर हैं, सबको अगर आप देखेंगे वो इसी ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। वो हम लोगों को ही संदेश दे रहे हैं कि बिना ध्यान के, बिना तप के इस जीवन का निर्वाह करना संभव है। तो चलिए इस विज्ञान के साथ अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। तो आप लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।